हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसन का बिल्कुल चटपटा और नया नाश्ता। यकीन मानिए, आपने ये नाश्ता ना कभी खाया होगा ना कभी देखा होगा, ये मेरा वादा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बातें बताई हैं, कुछ टिप एंड ट्रिक दिए हैं, उसे जरूर फॉलो करना। उससे आपकी रेसिपी अच्छी भी बनेगी और आपकी टाइम की बचत भी हो जाएगी। इस समय लॉकडाउन लग चुका है तो ज्यादा चीजें मिल नहीं पा रही है, लेकिन बेसन एक ऐसी चीज होती है जो हर किचन में आसानी से मिल जाती है। तो बेसन से आप बना सकते हैं बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा चटकाएदार नाश्ता, जो वो खाकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए घर में रह रहे के, और ऐसे में वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसे में अगर आप उनको कुछ प्यार से बना के खिलाते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्यार से बैठकर सब लोग साथ में मिलकर खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना, बहुत ही आसान रेसिपी है और कम चीजों से बन जाती है। जो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे वो पूरी की पूरी आपको किचन में मिल जाएगी। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, काम शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है बेसन, मोटा महीन जैसा ही बेसन हो आप उससे बना सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि महीन ही बेसन चाहिए, मोटा ही बेसन चाहिए, जो आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाए वही यूज कर लेना। मैंने महीन बेसन इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास महीन वाला था। तो अब हम क्या करेंगे, बेसन की कोई भी चीज बनाने के पहले आपको ख्याल ये रखना है कि इसे छानना है, तो छानना जरूरी है। इससे जो होता है बेसन बिल्कुल लम्स फ्री हो जाता है, इससे जो नाश्ता बनता है काफी बाउंसी और काफी फ्लफी बनता है। तो चलिए बेसन को छानते हैं। तो एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे, उसमें हम अपना छन्ना रख लेंगे। आप कोई भी सामान रख सकते हैं जिससे छानने वाला हो, और इस तरह से हम बेसन को डाल देंगे। अब इसको हम बढ़िया तरीके से छानेंगे, तो छानना जरूरी है ताकि इसमें से सारे लम्स निकल जाए। तो इस तरह से हम चम्मच से इसे चलाते जाएंगे, ये नीचे गिरता जाएगा। तो चलिए फटाफट अपना बेसन हम छान लेते हैं, और जो ये गुठलियाँ बचेंगी लास्ट में इसको आप यूज़ कर लेना किसी और चीज़ में, लेकिन इस रेसिपी में आप मत डालना। और जो बेसन हम छानेंगे उसके बाद देखिएगा बेसन का जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल स्मूथ सा हो जाता है। तो ये देखिए हमारा जो बेसन है बढ़िया तरीके से छन गया है। लास्ट में ये जो गुठलियाँ बची हैं इसको हम नहीं छानेंगे, इसको हम साइड में रख देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा बेसन हमें मिल गया है। अब हम इसमें क्या चीजें ऐड करेंगे, कितनी मात्रा में ऐड करेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक देखना, कुछ भी अपनी तरफ से मत ऐड करना। जिस मेजरमेंट के साथ मैं बता रही हूँ रेसिपी उसे फॉलो करना, आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा और आप पूरे महीने इसे स्टोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक, आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना जितना नमक खाते हो। अब इसमें हम हाफ टी स्पून तक डालेंगे टर्मरिक हल्दी, जो अच्छा सा लुक देगा इस नाश्ते को। अब इसमें हम चौथाई चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, अगर आपके पास ना हो तो आप कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच तक अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से हथेलियों पे लेकर मसलते हुए डालेंगे। बेसन की चीजों में अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसे मिस मत करना, जरूर डालना। अब इसके अंदर ना रिफाइंड ऑयल जाएगा, ना ऑयल जाएगा, ना बटर जाएगा, हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल होता ऑयली है, लेकिन मेरे कहने का मतलब था आपको सरसों का तेल ऐड करना है, वो भी हल्का सा गुनगुना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक से दो मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि तेल जो हमने डाला था वो हल्का सा गर्म था। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी और इसका जो टेस्ट है बिल्कुल निकल कर आएगा जब हम इसे यूज़ करेंगे। तो दो मिनट का इसे हम टाइम दे देंगे और साइड में रख देंगे, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। चलिए इसे साइड में कर देते हैं। तो हमने एक मिक्सी का जार ले लिया सबसे छोटा वाला, अब इसमें हम डालेंगे तीन कलियां लहसुन की, जो मोटी मोटी है। अगर आपकी छोटी और पतली है आप चार से पांच डालना, लहसुन जरूर डालना, इसमें बहुत ही ज्यादा टेस्ट आएगा लहसुन से। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप लहसुन को हटा सकते हैं, अगर खाते हैं तो जरूर ऐड करना। अब इसमें हम डालेंगे अदरक, जो हमारा इस तरह से दो बड़े बड़े स्लाइस अदरक के हैं, और अदरक का अमाउंट इसमें ज्यादा जाएगा, दो दो इंच का अदरक मैंने डाला है तो चार इंच का अदरक डालेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज डालेंगे, वो क्या है आप लोगों को अगर मिले तो डालना, ना मिले तो बाहर मत जाना लॉकडाउन में, क्योंकि सेफ रहना जरूरी है। चीजें ना हो तो एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी ना हो तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है। तो जिंदगी को बचाइए इस समय, जो जितनी मात्रा में घर में मौजूद है उसी को बनाकर खाइए, कुछ भी बाहर लेने के लिए मत निकलिए। तो फ्रेंड, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कच्ची कैरी यानी कच्चा आम, अगर आपके पास ना हो तो आप नींबू का रस डाल लेना, उससे भी काम चल जाएगा। अगर वो भी ना हो तो आप लोग क्या डाल सकते हैं, टमाटर काट के डाल लेना, उससे भी टेस्ट आ जाएगा। एक बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा, अगर आपका चम्मच छोटा है तो दो चम्मच डालना, जीरे का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा जाएगा इस रेसिपी में। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच तक कलौंजी, कुछ लोग इसे मगरेल भी बोलते हैं, इसे और प्याज के बीज भी बोला जाता है यानी ऑनियन स्वीट, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसे जरूर डालना। अब हम डालेंगे 10 दाने काली मिर्च के, काली मिर्च का जो टेस्ट होता है वो खाने के बाद जबान पे आता है, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, काली मिर्च जरूर डालना। अब इसमें हम एक चम्मच तक नमक डालेंगे।
अब एक बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ, मोटी वाली जो सौंफ खाई जाती है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, हर रेसिपी में डालेंगे, कोई भी रेसिपी में डालेंगे तो इसका सौंफ का स्वाद थोड़ा सा मीठा आता है, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। अब इसमें हम डालेंगे 3 ग्रीन चिली जो तीखी वाली है, अगर आपकी तीखी वाली ना हो तो आप 4 से 5 डालना, क्योंकि इस रेसिपी में थोड़ा सा चटकारेदार बनाने के लिए हमें ग्रीन चिली का जो इस्तेमाल है वो अच्छे से करना होगा, ताकि बहुत चटकारेदार थोड़ा सा चटपटा बने। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 से 2 बूंद सरसों का कच्चा तेल डालेंगे, जिसको गर्म नहीं करना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमें इसे पीस लेना है बिना पानी डाले, जो अदरक लहसुन होगा और मिर्च होगा उसी से ये पीस जाएगा, तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बिल्कुल ही पानी नहीं डाला था तब भी ये पीस गया है, इस तरीके से हमने इसको बनाया है, बहुत ज़्यादा ये ना मोटा है ना बहुत ज़्यादा बारीक किया है, इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसे साइड में रख देंगे और बेसन को चेक कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट हो चुका है बेसन को। तो फ्रेंड हम नॉर्मल वाटर लेंगे, ना ठंडा ना गर्म, बिल्कुल नॉर्मल पानी जो हम लोग नल वाला पीते हैं वही वाला, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के पहले मिक्स करना है ताकि लम्स ना पड़े, फिर उसके बाद पानी ऐड करेंगे। तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा और, तो टोटल मैं 1 कप पानी ऐड कर दे रही हूँ, ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, और इसको अच्छे से फेंट लेना है, और ये काम आपको हाथ से करना है, क्योंकि हाथ से जितना फ्रेंड अब हमें हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसे अच्छे से फेंट लेना है, इसकी जो गुठलियां हैं लम्स है इसको हमें खत्म करना है, ख्याल ये रखना है कि इसे एक डायरेक्शन में हमें फेंटना है, डायरेक्शन को बदलना नहीं, यानी एक बार इस तरफ से फेंटने के बाद इस तरफ से नहीं शुरू करना है, ये गलत हो जाएगा, एक ही तरफ से आपको फेंटना है, और इसे 1 से 2 मिनट तक फेंटेंगे ताकि इसमें एक एयर बन जाए। अगर आप नहीं फेंटना चाहते तो आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अनहेल्दी होगा, नेचुरल तरीके से जब आप इसमें काफी फेफनेस पैदा करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से हम 1-2 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे कैसे चेक करना है कि आपका बेसन फूला है कि नहीं। तो फ्रेंड 1 से 2 मिनट फेंटने के बाद हम पानी ले लेंगे, आप किसी कटोरी में ले सकते हैं, और इस तरह से हम इस पे ड्रॉप डालेंगे। अगर ये नीचे देखिए बैठ रही है तो समझ जाइए आपका अभी नहीं है, आपको और फेंटना पड़ेगा, तो अभी हम 1 मिनट और इसे फेंटेंगे। तो फ्रेंड इसको मैंने 1 मिनट और फेंट लिया है, अब आइए हम चेक करते हैं कि हमारा बैटर हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से हम ड्रॉप डालेंगे, और ये देखिए ड्रॉप जो हमारी है वो हल्की हल्की सी ऊपर आ रही है, तो यानी हमारा बैटर अच्छे से हो गया है। और दूसरी बात, जब आप डालें तो घोल पानी में मिलना नहीं चाहिए, इस तरह से जहां डाले वहीं पे टिकना चाहिए, यानी ये अच्छे से हो गया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और चलते हैं गैस की तरफ, बनाना शुरू करेंगे, चलते हैं गैस की तरफ। फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, और एक कढ़ाई रखी, उसमें हमने तेल रखा है, कढ़ाई जो भी इस्तेमाल कीजिए थोड़ी सी भारी होनी चाहिए, तेल बहुत ज्यादा भर के नहीं लेना है, इतना तेल लेना है कि पकौड़ियाँ हमारी उसमें 3% तक डूबे और 1% तक ना डूबे। ये जो है टेक्निक आप जरूर फॉलो करना, इससे आपकी जो पकौड़ियाँ हैं फ्लफी बनेंगी, फूली फूली सी बनेंगी। और तेल को हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे, फिर उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। तो फ्रेंड तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इस तरीके से अपनी छोटी छोटी सी बना लेंगे, और देखिए कितनी जल्दी ऊपर आ रही है, क्योंकि हमारा बैटर अच्छे से फूला है। तो आपको थोड़ा सा करीब करके बनाना होगा ताकि बैटर छुए ना। तो इस तरह से हम फटाफट से बना लेंगे, थोड़ी सी दूरी दूरी पे बनाएंगे। और डालते ही तुरंत नहीं चलाना है, जब ये 1 मिनट तक कुक हो जाएगी तब इसको हम टर्न करेंगे। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप इसे 2 बैचेस में बना लेना, मेरी कढ़ाई बड़ी है तो मैं इसे 1 बैचेस में बना ले रही हूँ। तो देखिए कितनी डबाडब सी फूल रही है, और जो किनारे इसके निकल रहे हैं इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, इसका हम रायता बना सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से डालिए बिल्कुल प्यार से। तो देखिए बिना बेकिंग पाउडर बिना बेकिंग सोडा के कितनी फ्लफी और फूली फूली सी बन रही है हमारी ये पकौड़ियाँ। और अब हम अपने हाथों को वॉश कर लेंगे, फिर से हम चलाएंगे। तो फ्रेंड 1 से 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसे टर्न कर देंगे, ये देखिए कितनी मज़े की बनी है। और इसे दूसरे साइड से भी 2 मिनट पकाएंगे, तो इसे पकने में सिर्फ 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो फ्रेंड जब तक ये पक रही है 2 मिनट, हम चलिए दूसरा काम कर लेते हैं, चलते हैं उस तरफ, और इसे हम लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। तो फ्रेंड अब हमारा जो ये मसाला हमने बना के रखा था, ये हम सारा का सारा अपने बर्तन में ऐड कर देंगे, बचाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने इसी के हिसाब से बनाया था। अब इसमें हम क्या डालेंगे, कुछ चीजें डालेंगे, कितनी मात्रा में आप लोग देखिएगा। 1 चम्मच भर कर हम डालेंगे चाट मसाला, जिससे ये चटपटा बनेगा। फिर उसके बाद 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम क्या डालेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। तो फ्रेंड पानी को आपको 4 गिलास पानी को आपको अच्छे से बॉईल कर लेना है, फिर उसके बाद उसे ठंडा कर लेना है, कच्चा पानी नहीं ऐड होगा, ठंडा करके फिर गर्म पानी को ठंडा करके यूज़ करना है।
तो चलिए ऐड करते हैं। तो पानी को मैंने अच्छे से बॉईल करके फ्रिज में लगा दिया था और इस तरह से हम डाल देंगे 4 गिलास पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं अपनी पकौड़ियों की तरफ, उसे चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारी जो पकौड़ियाँ थी अच्छे से पक गई हैं और काफी क्रिस्पी हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, ये पानी आपको तुरंत रेडी कर रखना है और कोई भी काम नहीं करना है, बस फटाफट इसे निकालना है। थोड़ी देर इस तरह से रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। अब हम तुरंत ही अपने पानी में इसको डाल देंगे डायरेक्ट और ये आपको गर्मा गर्म डालना है। तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये भी निकाल लिया है और इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और 2 मिनट का टाइम देंगे। 2 मिनट में अच्छे से जो हमने डाली है पकौड़ियाँ ये अच्छे से पानी में मिल जाएगी और 1 घंटे बाद आप इसको जब खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा खा के। तो फ्रेंड 1 घंटे के बाद आप इसका रिजल्ट देखेंगे कितने अच्छे से हमारा पानी का जो कलर है वो बिल्कुल डार्क हो चुका है, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके बाद अब इसे हम सर्व करेंगे। तो मेरे पास पूरा हरा धनिया नहीं था, पुदीना नहीं था क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। अगर आपके पास हो थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया से गार्निश करना तो बहुत ही अच्छा इसका जो टेस्ट है और लुक है बहुत प्यारा आएगा। तो चलिए इसे सर्व करते हैं आपके लिए। ये देखिए ये आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपका पेट भी फुलफिल हो जाएगा और आपको मजा भी आएगा खाके। तो ये देखिए हमारा जो इसका रिजल्ट है कितना बढ़िया है और ये देखिए जो हमारी पकौड़ियां हैं कितनी सॉफ्ट हो गई हैं, लेकिन इतनी भी सॉफ्ट नहीं है कि आप इसमें जब चम्मच डालेंगे तभी ये टूटेंगी, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा ओवर हो जाती हैं। तो ये कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। तो पानी पूरी आपने बहुत बार खाई होगी, एक बार ये पकौड़ी पूरी खा के देखिए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और इसका जो पानी है बहुत ज्यादा चटकारेदार है, हेल्दी है। आप इसमें थोड़ी सी हींग भी ऐड कर सकते हैं, तो हींग मेरे पास थी नहीं तो इसीलिए मैंने नहीं ऐड किया। इसका जो पानी है आप अगर पियेंगे तो आपके पेट को काफी ठंडक मिलेगी और काफी मजा आएगा आपको पी के। तो इसे एंजॉय कीजिएगा। बाय, टेक केयर।